मेन बात वहाँ अंदर भी क्लोज हो गया ना, अंदर क्लोज नहीं हुआ होगा, अंदर अंदर रहता है लेकिन अभी एंट्री नहीं देगा, आधा घंटा रहता है। एंट्री क्लोज हो गया ना, जैसे बंद किया था लास्ट टाइम एंट्री, और मैम देखेंगे लास्ट टाइम एंट्री में अभी जा रही है और गेट क्लोज हो चुका है, लेकिन फिर भी आप लोगों को एंट्री मिल जा रही है। देखिए जस्ट एक सेकंड पहले क्लोज हुआ है एंट्री, और एक ही कैंडिडेट है मात्र, अभी तुरंत स्कूटी से आई हैं अभी, और इनका टाइम अगर बात करें तो टाइम ओवर हो गया है, बस एक मिनट इनका देर हुआ था, और अभी इनको गेट खुलवा के एंट्री करवा लिया गया है, एंट्री करवा लिया गया है गेट खुलवा के। तो दोस्तों अभी टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है कि ओवर हो चुका है CHSL का, और टाइम जो है टाइम कितना हो गया भैया, टाइम 8:32 हो गया है, और लास्ट जो है गेट क्लोजिंग का वो 8:30 बजे तक ही है, लेकिन अब देखेंगे तो गेट भी क्लोज हो चुका है, और एक लास्ट कैंडिडेट आ रही हैं जो कि एंट्री इनको शायद से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 2 मिनट जो है कि इनका जो है वो लेट हो चुका है, तो साफ साफ मना कर दिया गया है उनको एंट्री नहीं। दोस्तों अभी हम लोग उपस्थित हैं आयोन डिजिटल धनबाद में, और यहाँ पे CHSL SSC CHSL का एग्ज़ाम जो है कि आज से स्टार्ट हो गया है, और आपने अभी वीडियो में देख भी लिया होगा, दो आप लोगों को क्लिप दिखाई दिया होगा, और उसमें दोनों में फ़र्क भी आप लोग अच्छी तरह से कर पा रहे होंगे। वो डिफरेंस क्या था कि एक जो कैंडिडेट थी वो जो आई थी वो लगभग 30 सेकेंड से 15 सेकेंड पहले उनका गेट बंद हुआ था, तो यहाँ के जो भी पेरेंट्स से आए हुए थे उन लोगों ने गेट खुलवाया और उनको एंट्री मिल गया डॉक्यूमेंट्स के साथ, सारा कुछ जो है कि उनको अंदर ही चेक होगा। और एक कैंडिडेट जो थी इसी सेंटर की बात है, दोनों क्लिप जो आप जो देखें वो इसी सेंटर का है, और दूसरा क्लिप जो था वो आप लोगों का वो 3 मिनट लेट हो गया था उनका, 8:30 आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है लास्ट गेट क्लोजिंग का, और वो कैंडिडेट जो है कि 8:33 में यहाँ पर पहुँची थी, तो इसलिए इस कारण से उनको जो है कि एंट्री नहीं मिल पाया है। इसमें कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स की ही गलती है, तो जो भी कैंडिडेट्स और एग्ज़ाम देने आ रहे हैं, चाहे जिस भी सेंटर पर जा रहे हैं, चाहे SSC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आप सेंटर पर जो है कि आप 1 घंटे पहले पहुँचिए, रिपोर्टिंग से आधे घंटे पहले कम से कम आप पहुँचने का जरूर से कोशिश कीजिए, इस तरह से आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब वो कैंडिडेट जो आई उन अफसोस हो गया उनको, ज़्यादा दूर भी उनका सेंटर नहीं था, मात्र 7 से 8 किलोमीटर दूर था, लेकिन फिर भी जो है वो लेट आए। यहाँ पे जो रूल है वो 8:30 बजे के बाद जो है कि जो क्लोजिंग डेट टाइम लिखा हुआ है उसके बाद आप लोगों को एंट्री नहीं मिलता है, तो प्लीज़ से जो भी कैंडिडेट हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे जिस भी सेंटर पे जा रहे हैं, आप अपना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स का वीडियो आप लोगों को मिल गया होगा, वो आप वीडियो देख लीजिएगा, और टाइम से जो है कि आप जरूर से पहले पहुँचिएगा। जो भी कैंडिडेट धनबाद आ रहे हैं एग्ज़ाम देने के लिए SSC CHSL का, वो अपना नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि उनका एग्ज़ाम कब है इस सेंटर पर, देख लें आप वहाँ पे भी एंट्री हो गया ख़त्म हो चुका है, और उसके बाद हम लोग एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहे हैं। जो भी ये कैंडिडेट आ रहे हैं धनबाद, वो एक बार जरूर से इन्फॉर्म कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस शिफ्ट में है। तो मिलते हैं हम लोग किसी अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।